कोतवाली एवं राजघाट पुलिस ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए स्टार गोल्ड कंपनी का डुप्लीकेट 177 बंडल शूज बरामद किए हैं तथा दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शनिवार को स्टार गोल्ड कंपनी के मैनेजर जहांगीर अहमद की शिकायत पर सीओ कोतवाली बीपी सिंह के नेतृत्व में कोतवाली और राजघाट की पुलिस ने शमहारुख स्थित क्वालिटी बूट हाउस और हिंद शूज हाउस पर छापेमारी की, जहां स्टार गोल्ड ब्रांडेड कंपनी के शूज डुप्लीकेट शूज के रूप में बेचे जा रहे थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 177 बंडल जूते बरामद किए हैं। पुलिस ने दोनों दुकानों के प्रोप्राइटर आसिफ और आरिफ को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने बताया, सर जी आप बताइए, ज्यादा कोई बनी नहीं है, ये नेपाल की कंपनी है किरण मैसर्स सू मैन्युफैक्चर्स, इनके दुकान के नाम को रिसाइकलिंग रॉ मटेरियल से तैयार करके ये जो माल बाजारों में बेचा जा रहा था, नाम रजिस्टर्ड कंपनी का था, माल जो है वो रिसाइकलिंग का था और ये हापुड़ से मंगाते थे। इनका लोगों को कहना है कि व्यक्ति आकर के मिलता था नकद पैसे ले करके और उस पर आर्डर सप्लाई करके थ्रू उसके ट्रांसपोर्ट माल भेजता था और लगभग यहाँ दो लोग पकड़े भी गए हैं जिनके नाम हैं आसिफ और आरिफ। ये शाह मारूफ मार्केट से और इनका जो हिंद वाले हैं, हिंद के आरिफ, उनके हिंद सू कंपनी के शॉप के वो उनके माल वहाँ भी ट्रांसपोर्ट नगर में बरामद हुए हैं, टीपी नगर चौकी इंचार्ज चौकी क्षेत्र में जो राजघाट थाना क्षेत्र में आता है। और 27 बंडल और खुले जगह पर मिला है जिसके संबंध में ट्रेस किया जा रहा है कि वो माल किसका है। कुल 179 बंडल 178 बंडल बरामद हुआ है। मार्केट से कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग वाला करते थे या ये नहीं, ये रॉ मटेरियल्स इनका जो है पुराना होता था और उसको रिसाइकलिंग करके इस रजिस्टर्ड कंपनी का नाम दे करके इस माल को बेचा करते थे, बना करके आता था, बना करके सप्लाई करते थे और इसी को ये दुकानदार लोग बेचा करते थे कम दामों में। तो ये कंपनी को घाटा पहुंचाते थे और उस कंपनी के नाम पर ये फायदे भी कमाते थे, ओरिजिनल डुप्लीकेट माल को ओरिजिनल कंपनी का कह करके बेचा करते थे। कितना कुल बंडल माल है? 178 बंडल पकड़ा गया है, थाना कोतवाली में 18 बंडल है और 160 बंडल राजघाट थाना क्षेत्र में है।